देन नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग. आपकी जो कैमराज आते हैं मिरर्स पे वो टर्न करने के बाद में जो यहाँ पे ब्लाइंड व्यू होता है उसके लिए वो दिया हुआ है. तो वो बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज ड्राउजीनेस डिटेक्शन. तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको थोड़ी बहुत नींद आने लगी है, तो जैसे ही आपका सीट बेल्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी का, तो वैसे ड्राउजीनेस डिटेक्शन करके एक ऑप्शन है. तो वो अनेबल करने के बाद, मतलब बाय डिफॉल्ट अनेबल ही आता है कंपनी से, तो यहाँ पे एक टी कप का साइन आ जाता है. अच्छा, तो इट मींस यू नीड अ रिफ्रेशमेंट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes. अच्छा, तो आप जैसे ही 15-20 मिनट के लिए थोड़े बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, सो विल गेट कॉन्फिडेंट अबाउट ड्राइविंग. ग्रेट. ये सब बड़ी अच्छी फीचर है सर. देन नेक्स्ट वन इज सेटिंग में TPMS ऑटो लर्न एंड टायर फील असिस्ट. तो TPMS ऑटो लर्न में और टायर फील असिस्ट में ये डिफरेंस है. तो जैसे ही टायर प्रेशर कम होने लगता है तो इट विल असिस्ट यू टू फील अप द एयर. देन TPMS ऑटो लर्न मतलब जैसे ही आप पंक्चर वाले के पास हवा भरने के लिए चले जाते हैं, तो वाइल्ड मतलब एयर प्रेशर भरने के टाइम पे सिर्फ आपको इग्निशन ऑन रखना है. एट द टाइम ऑफ इग्निशन ऑन, जैसे ही वो हवा भरने लगता है, एट कम्प्लीशन ऑफ 32 PSI, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है. ओके. इसमें उस टाइम पे हमें सिर्फ इग्निशन ऑन रखना है. यस, इंजन स्टार्ट नहीं रखा तो भी चलेगा, बट सिर्फ इग्निशन ऑन रखना है. देन नेक्स्ट इज अ साउंड. थ्री टाइप्स ऑफ साउंड फॉर अ टर्न इंडिकेटर. फर्स्ट वन इज, अच्छा, सेकंड वन इज, ओके, एंड थर्ड वन इज, सेकंड, अच्छा है, हां, एंड सिलेक्ट, यस. इसका वॉल्यूम आप कम ज्यादा भी रख सकते हैं. ओके, ये 2 पे, दिस वन इज मैक्स. ओके. देन नोटिफिकेशन साउंड, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद या फिर इंटरनेट एक्सेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन साउंड आने वाले हैं, उसके साउंड 3 है. फर्स्ट, अच्छा, सेकंड, थर्ड. अच्छा. देन उसका वॉल्यूम नोटिफिकेशन साउंड के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम. ओके. नेक्स्ट वन इज लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड. तो लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड तीन टाइप के आएंगे. फर्स्ट वन इज, सेकेंड, थर्ड. तो अगर बार बार लेन चेंज करनी पड़ रही है आपको, जैसे कि मुंबई के ट्रैफिक में कभी कभी बहुत बार लेन चेंज विदाउट इंडिकेशन ही हो जाती है, या फिर मोस्ट ऑफ द अर्लियर ड्राइव में मतलब पूरा रश रोड है, उस टाइम पे बार बार लेन चेंज करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे ये फंक्शन आप ऑफ भी रख सकते हैं. अच्छा, तो ये फंक्शन का नाम क्या है? लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड. ओके, तो ये वार्निंग साउंड को हम बंद भी कर सकते हैं उस टाइम. ओके. अच्छा, अलर्ट हिस्ट्री भी दिखाता है. हाँ. साउंड में नोटिफिकेशन, टर्न इंडिकेटर और लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड. तो ये बार बार बीप ना आए इसीलिए वॉल्यूम एक कम कर सकते हैं आप, अदरवाइज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ कर सकते हैं. तो मतलब वो बार बार पॉपअप नहीं देगा. देन लेन डिपार्चर वार्निंग वॉल्यूम, बैक, एंटर. लास्ट ऑप्शन इज क्लॉक टाइप, एनालॉग एंड डिस्प्ले, सॉरी डिजिटल. इसका जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है. हाँ जी, यहाँ पे जो क्लस्टर में आ जाएगा क्लॉक, हाँ, उसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग दो ऑप्शन दिए हुए हैं. एंड लास्ट ऑप्शन इज द फैक्ट्री रीसेट. कुछ गड़बड़ हुआ तो रीसेट कर सकते हैं. यस. देन अलर्ट हिस्ट्री. अलर्ट हिस्ट्री में एंटर करने के बाद टायर में अभी हवा कम है इसलिए ये इंडिकेशन आ रहा है 20 PSI का.
तो बाकी 33, 34, 33 तो ये टॉलरेंस जो है एक या दो से कम ज़्यादा हो सकता है. तो मोस्ट प्रोबेबली हम वी विल गो फॉर अ 32 ओनली इन केस ऑफ हीटेड टायर. मतलब अगर थोड़े वार्म हो गए टायर या फिर गर्म हो गए तो इट विल शो यू टिल 34, 33. देन नेक्स्ट वन इज ऑल टायर्स में हमें 32 रखना चाहिए. जी जी ग्रेट. देन नेक्स्ट विंडो इज ड्राइवर इन्फो. तो ड्राइवर इन्फो में आपको ट्रिप ए, नेक्स्ट विंडो इज ट्रिप बी, एनालॉग क्लॉक और ये डी ड्राइवर अटेंशन लेवल. तो जैसे ही मैंने बताया था कि ड्राउजीनेस डिटेक्शन कैसे होता है, तो ड्राइवर अटेंशन लेवल जितना कम होगा वैसे वो सिंबल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ड्राइव करने के टाइम पे अगर आपको थकावट ज़्यादा आ रही है तो इसका डिटेक्शन जो है वो कम कर देता है. तो अटेंशन लेवल अगर आपका कम हो रहा है तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे सिंबल कनेक्ट मतलब स्टार्ट करके आपको रेस्ट लेने के लिए अप्रोच कर देता है. ओके. तो ये जो स्मार्टनेस है ये सीट बेल्ट में है. जी बेसिकली सीट बेल्ट जी ड्रिवन है. ओके. ट्रिप ए एंड बी दोनों रीसेट करने के लिए यहाँ पे कमांड दिया हुआ है होल्ड एंटर टू रीसेट. तो जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ इट विल बी रीसेट इन 5 सेकेंड्स. देन नेक्स्ट विंडो इज फ्यूल इन्फो. तो ये रेंज अवेलेबल फ्यूल का है 79 किलोमीटर्स एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी लास्ट ट्रिप तक का जो हमें माइलेज मिला था तो वो 11.9 KMPL का माइलेज मिला है. तो ये 0, 15, 30 जो रेंज कन्वर्जन है यहाँ पे तो वो एज ऑन थ्रोटल रिस्पॉन्स हम जितना थ्रोटल यूज़ करते हैं उतना वो लाइंस पीछे ड्रैग कर लेता है. जैसे ही हम थ्रोटल रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं वैसे वो लाइन इंस्टेंट आगे जाता है. तो जितना लाइन आगे ड्रैग रहेगा 15 more than 15 तो माइलेज एफिशिएंसी धीरे धीरे उतना बढ़ता जाएगा. ओके ओके. तो इसका जो पैरामीटर है मैक्सिमम 30 तक है. यस ओके ओके. 30 तक मतलब आपको पूरा एक्सेलरेशन पैडल छोड़ना पड़ेगा तब वो धीरे धीरे 30 तक पहुंच जाएगा. ओके. इट इज जस्ट फॉर इंडिकेशन दैट इफ यू नीड अ एक्सेलरेटर प्रेस इट. अगर सामने कोई गाड़ी स्लो होती दिख रही है तो मतलब उसे एक्सेलेटर को दबाना नहीं है बिकॉज आगे जाके गाड़ी रुकने वाली है. तो वो पावर जो जनरेट आप कर रहे हैं फॉर पुशिंग द व्हीकल तो वो आगे जाके वेस्ट ही होने वाला है. तो आप अगर आपको स्लो डाउन दिख रहा है गाड़ी आगे तो आप भी एक्सेलरेशन प्रेस मत कीजिए. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एक मिनट.